तुम इसे जानती हो सुनैना? हाँ, काफी अच्छे से। मैंने इसे एक क्लब में ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा था। मुझे फंसाया गया था, मेरा उसके से कोई लेना देना नहीं था। जो भी हो, सुनैना भी एक इंस्पेक्टर थी क्राइम ब्रांच में, तो पहले जो हुआ उसे भूल कर जो करने आए वो करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या चाहते हैं आप मुझसे? आदित्य केस पर काम कर रहा था। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस पर। सही कहा, लेकिन जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में शायद तुम नहीं जानते। बस वही जानकारी देने के लिए तुम्हें याद आया। मैं जानता हूं कि इसमें कौन लोग हैं। तुम जानते हो? जी हाँ, होम मिनिस्टर और उसका बेटा अपनी फर्जी कंपनी की आड़ में ये काम करते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? और अगर तुम्हें पता था तो तुमने अपने सीनियर्स को क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता किसी को बता के? मुझे सस्पेंड कर दिया जाता या फिर मेरे किसी गांव में पोस्टिंग कर दी जाती। तो तुम बस इसलिए छिप रहे हो कि कहीं तुम्हें किसी गांव में ना भेज दिया जाए, बस इसी वजह से ना? जी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। खैर, लगता है अब आपको सब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही कि मैं भी आदित्य सर के साथ काम कर रहा था और उन्हीं के कहने पर मैं होम मिनिस्टर और उसके बेटे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन मतलब तुम निंजा हो? जी हाँ, आदित्य सर ने ही मुझे ये कोड नेम दिया था और किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। 2 साल पहले जब मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी, तभी एक केस के सिलसिले में मैं आदित्य सर से मिला था। वो मेरे काम और मेरी ईमानदारी से काफी इंप्रेस हुए थे और एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था। नितिन अपनी और आदित्य की हुई मुलाकात के बारे में डीसीपी शेखावत को बताता है। नितिन, तुम बहुत ही होशियार हो और मुझे तुम जैसे ही किसी की जरूरत थी। देखो, मैं केस पर कई सालों से काम कर रहा हूं जिसमें कई पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले भी इन्वॉल्व्ड हैं, इसलिए हम सीधे सीधे उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें उनके खिलाफ कई सबूत जुटाने होंगे, तभी हम उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर पाएंगे। अब कैसा केस है सर? बहुत सारे केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या यूं कहो हवाला। कई सारे पॉलिटिशियंस अपनी काली कमाई को हवाला के जरिए दूसरे देशों में भेज देते हैं और इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं होम मिनिस्टर उदय प्रताप और उसका बेटा, जो अपनी फर्जी कंपनी के जरिए ये काम करते हैं। मैं काफी टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी के साथ की जरूरत है नितिन, और मुझे लगता है कि मुझे तुम जैसे ही किसी ऑफिसर की तलाश थी। थैंक यू सर कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। देखो, ऐसे भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत करो, पहले थोड़ा सोच लो, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि तुम्हें कोई मेडल भी नहीं मिले, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन अंडर कवर होगी। सर, ये नौकरी में किसी मेडल या ऊंचे रैंक के लिए नहीं करना चाहता, फिर चाहे जो भी हो। ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, आज से तुम्हारा कोड नेम होगा निंजा। तो आदित्य के मर्डर होने के बाद भी तुम चुप क्यों हो? तुम तो सब जानते हो ना कि ये सब कौन करवा सकता है। जी हाँ सर, जानता तो हूं, लेकिन आदित्य सर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इस केस के दौरान मुझे कुछ हो गया तो इस केस को यहीं पर रोक देना, जब तक इसे पूरा करने के लिए जो शख्स चाहिए वो नहीं आ जाता, यानी कि आप। बस बहुत हुआ, तो देर किस बात की है? होम मिनिस्टर उसके बेटे के खिलाफ वारंट इश्यू करवाओ। लेकिन सर, उसके लिए हमें ये सारे सबूत पेश करने होंगे। सही कहा नितिन, अपने सीनियर से बात करो और उन्हें ये सब बताओ और जल्द से जल्द वारंट इश्यू करवाओ, इससे पहले कि होम मिनिस्टर उसका बेटा सतर्क हो जाए। जी हाँ सर, मैं अभी के अभी एसीपी विक्रम को फोन करता हूँ। एसीपी विक्रम? कहीं तुम सीबीआई के एसीपी विक्रम की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, उन्हें ही। रुक जाओ, वो भी इस केस में शामिल है। आदित्य के मर्डर की रात वो आदित्य से मिलने उसके घर गया था और मुझे शक है कि उसका आदित्य के मर्डर से जरूर कुछ लेना देना है। तो सर अब क्या करेंगे? मुलाकात एसीपी विक्रम से, वैसे भी उससे मिले हुए काफी दिन हो गए। नितिन, एसीपी को कॉल करो और उसे आज रात किसी बहाने से पोर्ट पर मिलने के लिए बुलाओ। ठीक है सर, आई एम ऑन इट। गुड, अब तुम जा सकते हो, रात को मिलते हैं। सुनैना, मुझे होम मिनिस्टर उसके बेटे के खिलाफ जितने भी सबूत हैं सब दो, अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है।